तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी शॉप का थोड़ा सा सामान लेने जा रहे हैं। तो भी हम यहाँ पर एक होलसेल मार्केट में लेने जा रहे हैं, जो कि हमारा यहाँ पर नवरात्रि का सामान होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या कर रहे हैं भैया? चलिए चलिए, कितना टाइम लगे अभी? काज नहीं, अभी गुस्सा ही नहीं है। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आज हम लोग स्कूटी चला रहे हैं। यहाँ पे हमेशा बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो गाइस, अभी हम लोग फाइनली मार्केट पहुंच चुके हैं। इतने जाम से निकलते, इतने ही रिक्शा का जाम है यहाँ पे कि आदमी को उड़ के आना पड़ेगा यहाँ पे किसी दिन। कैसे है मखाना? 1200 रुपए किलो। 1300 रुपए घर का। बारह सौ रुपए बोरी में कुछ कम होगा? अरे बोरी बोरी लेनी है। बोरी ले लो कुछ कम। अच्छा ठीक है, हम आगे सबका आने। हाँ, बाकी सामान ले आए। और जो खा लेना वो देख ले। नहीं बस मखाने ही चाहिए। बोरी बारह सौ, इससे कम नहीं होगा। चलो भैया, मखाना कैसे है? ओह माय गॉड, कैश कैश दिया क्या है? समझो भैया जल्दी से, फट से। नहीं लगाओ, थोड़ा वो रखा हुआ, थोड़ा वो लेना है बस। Hey guys, अभी नवरात्रि आ रही है, उसके लिए ये सामान खरीदा जा रहा है बेचने के लिए फॉर सेल। क्या यार भैया, ये सामान खरीदने हैं, बैठ गए वो बेचारा अकेले, सामान खोज रहा है सारा। उठो आप भी अपना बना लीजिए। नहीं ऐसे वो खोजता रहेगा अकेले। बोरी यहीं रखी है। गो बोरी दोस्तों, यहाँ लाने, बोरी ला इधर ला। तो अभी हम लोग हैं लखनऊ के सबसे बड़ी पूजा की जो मार्केट है सामान की, वहाँ पर अहियागंज में पड़ती है। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अभी दो दिन बाद से नवरात्र स्टार्ट है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो अभी हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं अभी मार्केट के अंदर, दिखाते हैं आपको यहाँ पर कैसा सारा सामान दिखता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मार्केट है और यहाँ पर नीचे रोकड़ा गिना जा रहा है। ये देखिए नोट कैसे गिनी जा रही, नोटें सब अलग अलग की जा रही। रोकड़ा 80 रुपये। हेलो, यहाँ पर पटाखे भी मिल रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं। ले लिए? हाँ हाँ। कितने का दिया ये? 40। ये 40 का? बिजनेस करने का बहुत मन करता है। तो करिए बिजनेस, भाई मन यही करता है। ये सैंपल लिए हैं कभी। और तो बोरा दोगे? बोरा दोगे? दोस्तों अभी हम लोग शॉपिंग कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं इस मार्केट से निकल के। तो अभी दोस्तों हम लोग मार्केट से वापस आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने घर।
तो अभी फिलहाल दोस्तों हम लोग सामान वामान सारा मार्केट से लेकर अपनी शॉप पे पहुंच गए थे। उस टाइम पे मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया, बट इस टाइम पे अब फिलहाल हमारा दुकान बढ़ाने का टाइम भी हो गया। और आप सभी को ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग किस टाइप के ब्लॉग देखना चाहते हो ये भी कमेंट करके बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ इस प्रकार के एक और अमेजिंग से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।